तुम्हें पता है सोशल मीडिया पे ना बहुत बार ना मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मेरी दाढ़ी का क्या राज है, मतलब मेरी बियर्ड इतनी अच्छी क्यों है। और इसका कभी भी मैंने एक प्रॉपर आंसर नहीं दिया है किसी को भी, बट इस वीडियो के अंदर आपको आंसर मिल जाएगा। और अगर आप इंटरेस्टेड हो इस जॉनरे में कि आपको अपनी बियर्ड बढ़ानी है या फिर आपको बियर्ड नहीं आती है और कुछ नॉलेज चाहिए, तो आप इस ज्ञान को सुन सकते हो। अब डिस्क्लेमर, मैं कोई एक ऐसा इंसान नहीं हूँ कि जिसको इस फील्ड में बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस की बातें शेयर कर रहा हूँ। दो टिप्स देना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस से। पहला, जिम जाना शुरू करो, वर्कआउट करना शुरू करो, साथ ही साथ में एक हेल्दी और बैलेंस डाइट लेना शुरू करो, जिसकी वजह से जो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल होगा वो बूस्ट होगा। और स्टडीज़ ये भी कहती हैं कि अगर तुम टेस्टोस्टेरोन लेवल अपना बूस्ट करोगे तो तुम्हारे हेयर ग्रोथ प्रमोट ज़रूर होंगे। पहला तो हो गया ये, ठीक है। और दूसरा, अपनी बियर्ड को ग्रोथ होने के लिए टाइम दो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अगर उन्हें पैची बियर्ड हो ना, अगर थोड़े थोड़े यहाँ पर बाल आ रहे हैं, ठीक है, तो वो गलती क्या करते हैं कि उसे बार बार क्लीन शेव करवा देते हैं या फिर शेव करवा देते हैं। इस मिथ में कि अगर हम शेव करेंगे तो हमारी बियर्ड ग्रोथ ज़्यादा जल्दी हो जाएगी, हमारी बियर्ड अच्छी आएगी, फ्रॉम माई एक्सपीरियंस मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है कि 4-5 महीने के लिए ना वेट करो। वेट करने के साथ साथ तुम्हें क्या करना है कि अगर तुम्हें पैची बियर्ड आ रही है ना, तो उस पैची बियर्ड को कटवाओ मत। जितना भी ये टाइम पीरियड होगा यहाँ पर, जब भी तुम हेयर कट करवाने के लिए जाओगे, तो अपनी बियर्ड को सिर्फ और सिर्फ मेंटेन करवाना है यहाँ से। और अगर तुम्हें दाढ़ी नहीं भी आ रही है तो उसको रहने दो। इससे होगा क्या कि तुम्हें 3-4 महीने के बाद पता चल जाएगा कि तुम्हारी इस 3-4 महीनों में एक्चुअली ग्रोथ कितनी हुई है तुम्हारी बियर्ड की, कि तुम्हें इस वाले एरिया में बाल ज़्यादा आए हैं या फिर यहाँ पर कम आए हुए हैं, कि तुम्हारी बियर्ड एक्चुअल में है कैसी और उसकी ग्रोथ स्पीड कितनी है। इससे तुम्हें एक चीज़ की क्लैरिटी मिल जाएगी और उसके बाद तुम बियर्ड ऑयल्स वगैरह लगाना शुरू कर सकते हो। मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ देखी हुई है कि जो बियर्ड ऑयल्स होते हैं ना, तो वो दाढ़ी को ग्रो करने में मदद नहीं करवाते हैं, बल्कि उसे नरिश करके रखते हैं। अगर अब जैसे मैं इस बियर्ड पे बियर्ड ऑयल लगाऊंगा तो वो ज़्यादा शाइनी लगेगी, थोड़ी स्मूथ रहेगी, अच्छी स्मेल आएगी उससे, ठीक है। लेकिन उसी की जगह पे अगर मेरा क्लीन शेव चेहरा होता और अगर मैं तब बियर्ड ऑयल लगाता, तो मेरा सिर्फ और सिर्फ ऑयली स्किन मेरे को मिलती और कुछ नहीं होता। तो ये दो टिप्स को फॉलो करो। पहला, टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करो एक हेल्दी डाइट खा के और जिम जाकर, और दूसरा, अपनी बियर्ड को ग्रो होने के लिए टाइम दो। तो ये दो टिप्स हैं जो तुम फॉलो कर सकते हो। यार तुम मानोगे नहीं, यहाँ पर गर्मी से इतना बुरा हाल है ना, जो पानी है ना नल में वो भी गर्म आ रहा है। यार घर की बड़ी याद आ रही है यार। तो अंदर हो रहे हैं बोर, तो अब चलो बाहर चलते हैं। अवंती का फोन आया था, उनसे मिलने के लिए जाते हैं। ये हमारे वहां पर नहीं मिलती है, मैंने यहीं पर आके पी थी ये। ये मैंने पहले पीता हूं, बोले आप कुछ खाना चाहोगे? अवंते गांड हुए हैं का थोड़ा अपन डोला फुलाओ। ओ निशांत भाई आप अपना डोला फुलाओ। ओ माय गॉड, अपना बाइसेप साइज दिखाओ भाई। क्या बाइसेप साइज पंप करो। तो आज का डिनर होगा यहाँ शेफ चॉइस। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू डे। कल रात को बहुत ज्यादा थक गया था इसलिए व्लॉग की एंडिंग कर नहीं पाया, तो आज यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो सीन ये है कि आयुष और करुण वापस आ चुके हैं, क्योंकि वो घर गए हुए थे होली के लिए, वापस आ चुके हैं अब। तो अब उनके कमरे में जाएंगे। क्लासेस मेरी आज थी 2, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं थी इसलिए मैं गया नहीं। तो अब चलो चलते हैं क्लास, लेकिन पहले जाएंगे उनके कमरे में। चलो। ओ बेटा, हाउ आर यू? से चीज, से ना, से चीज, से बोल भी तो सही, इशारा थोड़ी, से चीज बोल तो सही। चीज क्या भाई, थक तो गया है, देख थक तो गया है, तूने बोल दिया चीज, बोल दे से चीज, चीज 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 तो बोल। ये देख तेरी आंख में ना कुछ लगा हुआ है, देख देख तो सही, आंख में कुछ लगा हुआ है। क्या कर रहा है? नहीं होए लुकिंग स्मार्ट, नहीं होए लुकिंग स्मार्ट।
गाइस हमारे सीनियर आज घर जा रहे हैं। शान भाई कुछ कहना चाहेंगे आप? चलो तुम भी साथ में यार। आप यहाँ क्या करोगे रह के यार? बच्चे को ले जाओ ना इसको साथ। बच्चा तो आ जाएगा वापस, क्लास लगानी जरूरी है, फीस भर रखी है। जब चार गाइस हमारे कॉलेज की मर्सिडीज देख सकते हो आप। अच्छा वो अभी तक बात चल रही है उसकी। अब क्लास में चाहे वो दिग्विजय और वैभव की दोस्ती हो, या फिर प्रेरणा और चेंचो की दोस्ती हो, या फिर वो दिग्विजय का बार बार लोगों से लड़ाई करना हो, यही वो दिन है कॉलेज के जो बहुत ज्यादा याद आएंगे आने वाले टाइम में। तो जी लो इनको। हमने सिर्फ एक क्लास लगाई और एक क्लास लगाना भी बड़ा मुश्किल का काम है भाई। इतनी ज्यादा गर्मी है क्या बताऊँ यार, अपने बटोत की बड़ी याद आ रही है। वो देखो करुण भाई छाँव में चल रहे हैं, उनकी गांठ फट गई है, क्या करें यार। जिम जाने का, और जो ये आपने दृश्य पीछे देखा ना, पंखे के सामने मैंने क्या रखा हुआ था, वो बेसिकली मेरा जुगाड़ है अपने प्री वर्कआउट को ठंडा करने का। क्यों? क्योंकि जब मैं अपने ओट्स में गरम गरम पानी डालता हूँ ना, तो उसको अगर मैं ऐसे ही रख दूँ रूम टेम्परेचर पे, तो गर्मी का मौसम है उसको ठंडा होने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स लग जाते हैं। लेकिन अगर मैं अपने टेबल फैन के सामने रख दूँ तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10-15 मिनट में बिल्कुल ठंडा हो जाता है, जो खाने के लिए मतलब ठीक हो जाता है। जुगाड़ क्या ऑटोग्राफ प्लीज। ओके व्हाट यू आर डूइंग यार, यू आर लुकिंग स्मार्ट यार। यार आई एम नॉट स्मार्ट यार। हाँ आई एम वेरी सैड यार। तो मैं पता, हॉस्टल लाइफ ना और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी अगर ये हॉस्टल का वाईफाई अच्छा चलने लगे। देखो अब मैं कुछ एडिट कर रहा था, मेरे को कुछ डाउनलोड करना है। देखो ये सर्कल, ये देख रहे हो तुम सर्कल? ये जो सर्कल है ना जो ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये पता है क्या दर्शाता है? ये जिंदगी का पहिया है कि बेटा जिंदगी ऐसे ही चूतिया काटेगी तुम्हारा, नेट चलता ही नहीं है, कोई बंदा एंटरप्रेन्योर कैसे बने? पता नहीं तुम्हारे साथ ये होता है या फिर नहीं होता है, लेकिन ना मैंने देखा हुआ है कि जब मैं स्टडी टेबल के पास बैठता था ना, तो मुझे ना नींद आना शुरू होती थी। और वो किस वजह से होती थी कि ना, पहले तो मैं मतलब पहले 10-15 मिनट में ऐसा बैठा रहता था, ठीक है, उसके बाद लेकिन जो मेरा स्ट्रक्चर था ना वो ऐसा ऐसा होता रहता था। अब इसके रिलेटेड एक हैक है, जब भी तुम अपने स्टडी टेबल पर बैठो ना, इंस्टेंट तुम अपनी चेयर को इतना दूर रखो तुम्हें ऐसे बैठना, ताकि तुम्हारा ये जो स्टमक है ये बिल्कुल इस लाइन के साथ टच हो, तो जिसकी वजह से ना तुम्हारी बैक ज़्यादा स्ट्रेट रहेगी और तुम्हें नींद आने के चांसेस कम है। अब आनी होगी तो वो तो ऊपर वाला है, वो तो नींद दे ही देगा।